हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। ये संडे का ब्लॉग है, आपको कल मॉर्निंग मंडे में देखने को मिलेगा। और खाना था जो बहुत लेट हो गया, घर के काम वगैरह मैंने किए, बच्चों को नहलाया, खुद नहाई, और खाना बहुत लेट हो गया था और समझ नहीं आ रहा था। और यहाँ पर फ्राई पैन में मैंने तेल चढ़ाया, गर्म हो चुका है। और ये मैं जो है सूखे आलू, जीरा और प्याज डाल के, वैसे जीरा डाल के ही फ्राई करूँगी। तो ये मेरी बेटी के फेवरेट हैं, मुझे भी अच्छे लगते हैं। और ये मैं बहुत टाइम बाद बना रही हूँ, पता नहीं कितने टाइम बाद बन रहे हैं ये। और एक छोटा सा प्याज मैंने बस इसमें ऐड किया था, कुछ नहीं किया, डाला जीरा प्याज डाल के, और बारीक बारीक से जो है बिल्कुल प्याज जो है कट करके डाल दी। और इसके अंदर मैंने गरम मसाला, चिकन मसाला, धनिया पाउडर, रेड चिली, लाल मिर्च, नमक, जो भी हल्दी, वो सब मसाले सूख के डाल दिए थे। और ये बहुत अच्छा लगा था, पराठे जैसे होते हैं ना घी लगा के रोटी, तो वो मैं इसके साथ बनाने वाली हूँ। तो यमी लगता है, टेस्टी लगता है, काफ़ी टाइम बाद। और कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और कल ही मैंने जो है पुलाव वगैरह बनाए थे मटर आलू और गोभी डालकर, तो फिर मन नहीं था। आज भी चावल वगैरह बनाए, लेट बहुत हो गया था, लेकिन मैं सोच रही जल्दी कुछ बन जाए फटाफट से, तो बस मैंने यही बना दिया। आटा गूंदा पड़ा था और बस मैंने आलू बना दिए, बहुत इजीली और जल्दी भी बन जाते। एक साइड ये बनेंगे, तब तक तो है मैं रोटी बना लूँगी। तो यही मैंने बना लिया, लेट बहुत हो गया था, मतलब घर के काम वाम करते, और जो है बच्चों नहलाने धलाने में बहुत लेट हो गया, फिर भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, फिर मैंने जल्दी में यही बनाया। तो बहुत टेस्टी और यम्मी लगा था ये खाने में। कभी कभार जो चीज़ें हम नहीं बनाते, कभी बनाए तो अच्छी लगती हैं। तो बस यही बना था कल दोपहर में लंच में, तो अब इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। और ऐसे फ्राई कभी बनाए तो पराठे के साथ खाना बहुत टेस्टी और यम्मी लगते हैं। और आप लोगों को यही बोलना, जो भी नए आ रहे हैं मेरे चैनल पे, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिले। वीडियोस अच्छी लगती हैं, शेयर और लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो प्लीज़ सपोर्ट मी, आप अपने फ्रेंड्स के साथ जो है शेयर कर सकते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पर कहीं भी वीडियोज़ शेयर कर सकते हैं आप लोग। प्लीज़ सपोर्ट मी, जो भी जो है न्यू आते हैं सपोर्ट कीजिए, और जो भी फॉलो कर रहे हैं वीडियो को पूरा देखिए, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए। तो बस यहाँ पर देखिए घी लगा के ना रोटी ऐसे इसके साथ बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने ऐसे रोटी घी लगा के बना ली थी। और दूध मैंने मंगवाया था सुबह, तो मैंने साथ में गर्म करने के लिए रख दिया, नहीं तो मैं रख के कभी कभी भूल भी जाती हूँ, और कभी कभी उबल जाता है। साथ में काम करते रहो ना, तो फिर साथ में गर्म हो जाए तो फिर ईजी रहता है। तो बस ये है आज का हमारा लंच। तो बस आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, और एंड में भी मिलती हूँ। तो चलिए फिर, बाय बाय। तो यहाँ पर मेरा लंच रेडी है, सूखे आलू की सब्जी बनाई है, मेरी बेटी को भी बहुत पसंद है, मुझे भी, और साथ में मैंने ना ऐसे घी लगा के रोटी बनाई है। और ये संडे का ब्लॉग है, और इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। छोटा सा था, आप लोग के साथ शेयर किया है, क्योंकि 2:30 बज गए हैं, भूख बहुत तेज़ लगी है, घर के सारे काम करके नहा धोकर बच्चों को नहला कर, तो अब मैं करने जा रही हूँ लंच। तो चलिए आपको मिलूँ किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग भी आइए, खा लीजिए।